आखिर इस कमरे में है क्या? ये तो दीवार के अंदर कोई खुफिया दरवाजा है। अध्यापक अखाड़े के रूम में से ऐसा गुप्त रास्ता। किस प्रकार के जानवर है? देखो तुम लोग आगे मत बढ़ना। तुम लोगों को पता नहीं है मैं कौन हूं। यहां पर कोई भी जादू शक्ति काम नहीं करेगी। बालवीर मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा? कहीं वो उसी बुरी शक्ति के चंगुल में फंस तो नहीं गए? मतलब इन पर वार करने से इनकी शक्ति दुगनी हो जाएगी। ये तो कोई जीवनदायक अमृत लग रहा है।
यही है वो इम्पोर्टेंट बात जो मैं इतनी देर से तुम्हें बताना चाह रही थी। तो ये बताना चाहती थी आप? लगाना जोर का झटका? बहुत जोर का झटका लगा है मॉम। दिल में मेरे है दर्द है डिस्को, बच्चे बूढ़े यहाँ से खिसको। ये क्या बोल रही हो? वही जो आपने लिखा है। अरे ये मैंने ये नहीं लिखा, मैंने तो लिखा था कि चिकनी चमेली चुपकिया के वो। यानी कि सिर्फ कुएं के अंदर जादुई शक्तियां नहीं चलती। स्वामी अब मुझे लगता अब रे नहीं है। खैर कोई बात नहीं, रे ना सही, मिस ब्रिगेंजा तो है आपके पास। अरे स्वामी स्वामी आप मुझे ही अपनी पावर दे दीजिए, मैं सबका दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। अपने हाथ में रहो घुड़सवार। घुड़सवार नहीं, घोड़ा मानव। घोड़ा मानो बकोड़ा मानो जो भी हो अपने हाथ में रहो। और अपनी हद से तुम बाहर जा रहे हो समझे? अरे चुप, तू क्या मुझे समझाएगा चार पैरों वाला प्राणी। तुम्हें क्या लगता है मिलसा, हमने कहीं समय से पहले ही रे को धरती पर अकेला तो नहीं छोड़ दिया? नहीं बामवाल श्री, आपका कोई फैसला कभी गलत नहीं होता। वो रहा रे। ये रहा पकलच लेडियम। तुम्हें सही सलामत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है रे। आना। तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई रे? कहीं धरती पर किसी ने? Not at all, Mr. B. बस मुझे आते वक्त एक डिटॉल लेना पड़ा उस कुएं की तरफ से। You know that? तवक्का जात फिर से फैल रहा। फिक्र मत करो रे। जिस दिन उस महाताकतवर को हम ढूंढ लेंगे उस दिन तुम्हारी इस परेशानी का अंत हो जाएगा। लेकिन बांबाल श्री हमें अब और चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जो भी महाताकतवर है उसे भले ही हमारी पहचान नहीं पता चली हो लेकिन उसे हम पे शक जरूर हो गया है। मिलसा, हमें उन लोगों का शक अपने ऊपर से हटाना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे बांबाल श्री? मेरे पास एक सजेशन है। क्या सुझाव है रे? यही कि कभी कभी चेस में क्वीन को बचाने के लिए पॉन की जान देनी पड़ती है। तुम्हारी सलाह मुझे बहुत पसंद आई रे। घोड़ा मानव। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। मॉम ये आपको क्या हो गया है? देखा देखा तुमने, मैं कठिन से कठिन टंग ट्विस्टर बोल पा रही हूँ लेकिन वही नहीं बोल पा रही जो मैं बोलना चाहती हूँ। डाली डाली पे नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली, जिस डाली पे मैंने नजर डाली वो डाली किसी ने काट डाली। हाँ? देवकी जी
आप क्या किसी कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रही हैं? नहीं नहीं करुणा जी, मैं किसी कवि सम्मेलन में भाग नहीं लेने वाली हूँ। मैं तो आपके बेटे के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। विवान, क्या किया उसने फिर से बदमाश ने? आप कुछ तोड़ा है फिर से? मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। अरे करुणा जी रुकिए रुकिए, किल डाउन किल डाउन। आंटी मॉम का मतलब है चिल डाउन। हाँ वही वही, विवान ने कुछ नहीं किया है, वो तो प्यारा बेटा है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आगरे का बेटा अगर कलकत्ता में बेचा जाए फिर भी आगरे का कहलाएगा। मैं किसी को क्यों नहीं बता पा रही हूँ कि देवू ही नकाबपोश है। आगरे के बेटे के बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आप लोगों के लिए मूंग दाल का हलवा लेकर आई हूँ। वाओ आंटी, मूंग दाल का हलवा। आई जस्ट लव मूंग दाल का हलवा। थैंक यू। वैसे देवू यहाँ आया था क्या? क्यों, आंवले का मुरब्बा घर पे नहीं है? पता नहीं आंटी मॉम को क्या हो गया है, कल से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें कर रही हैं। वो क्या है ना कि सुबह से मैं इतना टंग ट्विस्टर बोल चुकी हूँ ना कि कोई भी बात सीधी नहीं निकल रही। मॉम इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप रिलैक्स करिए और कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन लीजिए, ठीक है? और ये मूंग दाल का हलवा एंजॉय कीजिए, मैं तब तक क्वारंटाइन सेंटर में एक राउंड मार के आती हूँ। ओके अनन्या, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे भी वहीं जाना है, शायद देबू वहीं मिल जाए। ठीक है आंटी, चलते हैं। ओके मॉम बाय। बाय देवकी जी। देवू ही नकाबपोश है। काश ये लोग मेरे मन की बात सुन पाते तो इन्हें भी सच पता चल जाता। इतनी देर हो गई, बालवीर कहाँ रह गया होगा? मुझे बालवीर को ढूंढने के लिए खोजी तरंगे भेज देनी चाहिए। माँ, माँ, माँ। बालवीर तुम ठीक तो हो ना? तुम कहाँ रह गए थे, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं जो सुराग ढूंढ कर आया वो जानकर अब बहुत खुश हो जाएंगे। आप मुझे धरती पर क्यों लाए बामबाल श्री? अगर जलराज केकोस को पता चल गया तो? जलराज केकोस को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या अभी तक उन्हें यह पता चला है कि तुम वेतन तो उनसे लेते हो लेकिन सेवा हमारी करते हो? दरअसल हमें एक खबर मिली है कि धरती के लोग शिंकाई पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बामबाल श्री ये चाहते हैं कि तुम और ब्रिगेंजा मिलके ये पता करो कि ये खबर सच है कि नहीं। हाँ। बामबाल श्री, शिंकाई के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो जाओ शिंकाई का सर ऊंचा करो। जी बामबाल श्री। इस यंत्र से ऐसी तरंगे निकलेंगी जो हमारे दुश्मनों को चौकन्ना कर देगी। आगे कुछ मत बोलिए सुंदरी जी, मुझे पता है क्या करना है, क्योंकि निष्ठा के मामले में मैं सोने का पदक जीत चुका हूँ। अरे रुको घुड़सवार, मैं आ रहा हूँ, आई मीन आ रही हूँ। अरे वेट वेट, मुझे लगता है हमें उस कुएं के पास जाकर घेराबंदी कर लेनी चाहिए। नहीं बालवीर नहीं, शौर्य ने हमें आदेश दिया था कि हमें सिर्फ उस बुरी शक्ति के बारे में सुराग ढूंढना है जो हमने ढूंढ लिया है। अब आगे क्या करना है इस बारे में शौर्य ही फैसला ले पाएंगे। लेकिन माँ, अगर शौर्य से बात करके वापस आने में हमें देर हो गई तो? अरे सुनो 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 घोड़ा बनो, मैं बहुत थक गया हूँ, दो पल यहाँ आराम कर लेते हैं। पता नहीं तुम्हें मेरे साथ बम्बाल श्री ने क्यों भेज दिया, दो कदम चले नहीं और दो पल का आराम करना है। वाह, शिंकाई की जय हो।
शिंकाई की जय हो। बालवीर, अभी तक हमें सिर्फ एक कुआं ही मिला है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये देखो बालवीर, इस खोजी तरंग को फिर से किसी जादुई शक्ति का आभास हुआ है। ये क्या कर रहे हो तुम? यही कि इस बार रानी को बचाने के लिए प्यादे की नहीं घोड़े की बलि दी जा रही है। शिंकाई की जय हो। हमारा दाव एकदम सही लगा है बाम्बाल श्री। ये घोड़ा मानव जरा भी नहीं हिल पाएगा। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बम्बाचर? ये तुम्हारी वफादारी का इनाम है। जान तो तुम्हारी जरूर जाएगी, लेकिन ये सोचकर खुश होना कि शिंकाई के शहीदों में शामिल होगे तुम। अब उनकी खोजी तरंगें इस घोड़ा मानव को ढूंढ लेंगी और तब तक हम यहाँ से चले जाएंगे। बट मिस्टर बी, मुझे उस सुपर पावर का ब्लड चाहिए ताकि मुझ पर से उस जहरीले कवक का असर खत्म हो सके। सब्र रे सब्र, आज या तो दुश्मन का शक हम पर से उठ जाएगा या फिर तुम्हारे शरीर से इस कवक का असर दूर हो जाएगा। बालवीर, मिल गया हमें उस बुरी शक्ति का स्रोत। चलो। थोड़ी देर में उन लोगों का पर्दाफाश हो जाएगा जो हमें ढूंढने की बेवकूफी कर रहे हैं। हाँ, यानी दुश्मन के दर्शन हो जाएंगे। रुकिए मां, जब पिछली बार हमने उस बुरे शक्ति को ढूंढने के लिए खोजी तरंगे भेजी थी तब वो वहां से भाग गई थी, लेकिन इस बार वो वहीं पर रुकी हुई। ये तुम्हारा मतलब ये है कि वो लोग हमें अपनी ही जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? तुम आप हम एक काम करते हैं, हम अपनी जादुई तरंगों से उस बुरी शक्ति को भस्म कर देते हैं। बेचारा घुड़सवार तो धूल का फूल बन गया, लेकिन वो वहां ताकतवर कहीं दिखाई नहीं दिया। सब्र ब्रिगेंजा सब्र, वो जो भी है बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएगा।
मिस्टर बीन, अब मैं ये वेटिंग गेम और नहीं खेल सकता। वो सुपर पावर चाहे जो कोई भी हो, मैं उसे अभी खींच कर यहां पर निकालता हूं। वॉच दिस। अरे वाह, इतने देर हो गई, कोई हलचल नहीं हो रही है, कहीं वो बुरी शक्ति भाग ना जाए। मैं खुद जाकर देखता हूं। साल के इंतजार को 20 पलों की बेसब्री से बर्बाद मत करो। हम अपनी पहचान को जाहिर करने का खतरा नहीं उठा सकते, इसलिए अभी चलो यहां से। बालवीर, रुको रुको, अगर वाकई ये उन लोग की कोई चाल है तो हमें और भी सावधान रहना होगा। लेकिन मां, हम शौर्य के पास सुराग लिए बिना कैसे जाएंगे? बालवीर, मिल गया सुराग। ये देखो, ये शायद उसी प्राणी की राख है जिसे खोजी तरंग ने भस्म किया था। चलो। बांबाल श्री, क्या आपको पूरा यकीन है कि वो लोग हमें नहीं पहचान पाएंगे? थोड़ा मानव का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। जिन लोगों को भी हम पे शक था, उनका शक गुरुस्वार के साथ जलकर खाक हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा तो आप बोलने वाले थे। वेरी सून हम इस वायरस का वैक्सीन ढूंढ लेंगे। मैनेजर साहब, आपको ना धन्यवाद बोलना था। आपने कॉलेज का आधा हिस्सा क्वारंटीन के लिए दे दिया, इसलिए। It's okay. एक मिनट, मैनेजर साहब नहीं है, वो प्रिंसिपल साहब है, प्रोफेसर अघाड़ी। आप मैनेजर नहीं है, प्रोफेसर हो या लेक्चरर हो क्या फर्क पड़ता है, पर धन्यवाद तो बनता है, बोले तो थैंक यू। It's okay. करो, अच्छा काम कर रहे हो, करो। मैं आती हूँ। दुश्मन का ध्यान अपने ऊपर से भटकाने के बाद हमें जो मौका मिला है, हमें उसका पूरा फायदा उठाकर उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकता वो वायरस। हम उस पर ऐसा अटैक करेंगे कि उसको पता भी नहीं चलेगा। आपको नजर न लगे ना, इसलिए मिर्च लेकर आई। आपकी नजर आ रही हूँ। मैडम, आपका हो गया, अब हम थोड़ा काम कर ले प्लीज। हाँ, कीजिए कीजिए, मेरा काम खत्म हो गया। उतर गई नजर। मिस्टर बी, आई एग्री कि हमने दुश्मन के दिमाग से डाउट को आउट कर दिया, लेकिन आपको नहीं लगता कि शिंकाई के पैलेस में आपको लेकर डाउट शुरू हो गया? अंबाल श्री, रे ठीक कह रहा है, हमें राजमहल वापस चलना चाहिए। चलो चलो सुंदरी, चलो। तुम कहीं नहीं जा रहे हो ब्रिगेंजा, तुम यहाँ कॉलेज में ही रुकोगे। लेकिन अंबाल श्री, हम रे को भी राजमहल नहीं ले जा सकते। बट व्हाई? क्योंकि तुम मेरे लिए वो खजाना हो जिसे मैं दुनिया की नजरों से बचा कर रखना चाहता। ओके मिस्टर बी, एज यू विश। मां, आखिर शौर्य गए कहां? शौर्य उस राख की जांच पड़ताल करने गए हैं।
छाछ पड़ता है। लेकिन शौर्य तो आंख बंद करके ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर इतनी सी राख के बारे में जानने के लिए उन्हें कहां जाना पड़ा? बालवीर, इस बार जिस बुरी शक्ति ने सिर उठाया है वो तिमनासा से और भी ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए शौर्य साधारण तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। साधारण तरीके से काम नहीं कर रहे हैं मतलब? आपके कहने का मतलब है कि शौर्य ने युग चक्र का इस्तेमाल किया है? हाँ बालवीर, युग यात्रा यंत्र का प्रयोग करना जरूरी हो गया था, और जैसा कि मुझे संदेह था, यह राख उस नई बुराई के स्रोत की नहीं है, यह किसी छोटे सिपाही की है जिसका नाम था घोड़ा मानव। घोड़ा मानव? हाँ बालपरी, हमारा पहला सुराग यानी पानी के बुलबुले से निकला आदमी भी वहीं से आया था जहां से घोड़ा मानव आया था। लेकिन शौर्य, आखिर ये जगह है कौन सी? ये पानी की एक विशाल दुनिया है जिसका नाम है शिनकाई। सिंग सिंग सिंकाई सिंकाई सिंग सिंग सिंकाई सिंकाई। और इस समुद्री दुनिया शिनकाई के शासक का नाम है जलराज के कोस। शिनकाई के निवासियों, पिछले कई सालों से शिनकाई की दुनिया पूरी कायनात की नजरों से ओझल रही है, क्योंकि मैंने शिनकाई के चारों तरफ एक सुरक्षा ढाल बना के रखी थी। मैं नहीं चाहता था कि हमारी शिनकाई में कोई भी बाहरी ताकत दखल दे। और अगर जलराज कहीं दखल देना नहीं चाहते तो उन्होंने उस घोड़ा मानव को क्यों भेजा था, और उस पानी के बुलबुले से निकला हुआ मानव धरती पर क्यों आया था? शिनकाई से बाहर जाने की इजाजत किसी को नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक सिपाही सरहद पार करके शिनकाई से बाहर जाता है, कैसे? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं जलराज के कोस को वीरलोक में आने का निमंत्रण भेजने वाला हूँ। आपने उसे कोई इस बात का जवाब दे सकता है कि एक छोटा सा सिपाही शिनकाई से बाहर जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मुझे जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। सिपाही सालार बामबाल, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
शिंकाय की सरहद की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है ना सिपे सालार बांबाल? जी हाँ जलराज। तो फिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? मैं अपनी चूक कबूल करता हूं। सिपे सालार बांबाल, आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि मेरे छोटे भाई होने के कारण आपकी हर गलती माफ कर दी जाएगी। तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। मेरी गलती सिर्फ यह है कि मैंने उस घोड़ा मानव पे भरोसा किया और उसने न सिर्फ मेरा बल्कि पूरी शिंकाई का भरोसा तोड़ा है। वैसे उसने धरती पर ऐसी क्या गलती कर दी कि आप इतने क्रोधित हो गए? उसकी फिक्र आप मत कीजिए। आप सिर्फ ये मालूम कीजिए कि इतनी चाक चौबंदी होने के बावजूद घोड़ा मानव शिंकाई से बाहर कैसे गया? जो हुक्म जलराज। आज की सभा यहीं बर्खास्त होती है। इंसाफ कायम रहे। इंसाफ कायम रहे। इंसाफ कायम रहे। क्राय और प्रे लेकिन नहीं छोड़ेगा रे। ये किंग कायकोस मिस्टर डी को इतना डोमिनेट कैसे कर सकता? हाल क्या है? शौर्य को जाकर हमारा संदेश देना कि अगले पहर हम उसे मिलने वीरलोक आ रहे हैं। बालवीर, ये एक विशेष अवसर है जब किसी दूसरे लोक के राजा हमसे मिलने वीरलोक आ रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मौके पर विवान भी हमारे साथ रहे। हाँ शौर्य, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस विवाद का हल बातचीत और शांति से हो जाए। हाँ बालपरी, लेकिन जलराज के कोस को हमारी शक्ति का प्रदर्शन करना भी जरूरी है, इसलिए बालवीर तुम जाकर विवान को भी बुला लाओ। तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। उस युग यात्रा चक्र के इस्तेमाल से मुझे भी अपने अतीत की पूरी जानकारी मिल जाएगी। बालवीर, शौर्य ने कुछ कहा? हाँ, मैंने सुना। मैं विवान को बुला कर आता। नकाबपोशी देवू है और देवू ही नकाबपोश है, पर ये कैसी मुश्किल है कि ये सच में किसी को बता तक नहीं सकती। विवान बेटा। अरे माँ, आपकी बेटी के होते हुए आप इतने भारी बैग्स क्यों उठा रही है? ले, मुझे दीजिए। ये बैग्स के बोझ से ज्यादा भारी तो तुमसे दूर रहने का बोझ है। आजकल तुम कितना कम मिलने आते हो अपनी माँ से। वो तो इसलिए ताकि मुझे दो पर ब्रेकफास्ट, दो पर लंच, दो पर डिनर रन करना पड़े। क्या क्या कहा? कुछ नहीं, ये बैग्स कहाँ रखने हैं? ये बैग्स को ना तुम घर लेकर जाओ, मुझे एक छोटा सा पर्व पूरा करके आना है। आपका मतलब वर्क पूरा करना? हाँ, वही। और सुनो, वापस आकर ना मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म घी के समोसे बनाने वाली हूँ। देवकी जी, समोसे खाने से ना विवान के पेट में दर्द हो जाता है। करुणा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं विवान के लिए आलू के नहीं पनीर के समोसे बनाने वाली हूँ। पनीर के समोसे?
पर पनीर के समोसे तो मेरे हाथ के ही खाता है विवान, और किसी के खाता ही नहीं है। बुरा मत मानिएगा देवकी जी। हाँ अब अरे अरे मोम मोम, आप इतना टेंशन मत लीजिए, मैं आप दोनों के बनाए हुए समोसे खा लूंगा। पहले विवान ये जाके जरा मेरा बैग क्वारंटाइन सेंटर पहुंचा कर। पर करुणा जी, मेरे बैग में आइसक्रीम है, वो पिघल जाएगी। आइसक्रीम? हाँ हाँ, वही वही, पहले मेरा बैग रख कराओ। लेकिन मेरे बैग में सब्जियां हैं, अगर क्वारंटाइन सेंटर में सब्जियां नहीं पहुंची ना तो खाना बनने में देर हो जाएगी। विवान जा। करुणा जी, मैं आपका बैग लेकर चली जाती हूँ। इससे अच्छा आप अपना बैग खुद ही अपने घर ले जाइए ना। भगवान, आपने मुझे दो माए दी इसलिए थैंक यू, लेकिन अब इन दोनों के बीच की जेलसी सॉल्व करने का भी कोई आइडिया दे दीजिए प्लीज। विवान जा। अरे 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 अरे, अरे। फिकर नॉट, मैं हूं ना। अब ये बैग क्वारंटाइन सेंटर मैं पहुंचा दूंगा, और इनके बैग्स विवान इनके घर पे पहुंचा देगा। हाँ। ओके अच्छा हुआ देवू भैया, आपने मुझे बचा लिया, वरना जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं जा सकती ना, ठीक उसी तरह एक बेटा दो माँओं का प्यार नहीं संभाल सकता। हाँ विवान, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वीर-लोक से एक इम्पोर्टेंट मैसेज लेकर आया। मैसेज? हाँ, थोड़ी देर में वीर-लोक में इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है, और शौर्य चाहते हैं कि तुम भी वहाँ रहो, तो बैग रख कर पहुँच जाना। हाँ श्योर, मिलते। वैसे आजकल वीर-लोक के मैसेज मुझसे पहले देवू भैया को कैसे मिल जाते हैं? इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला, क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो मुझे ये इन्फॉर्मेशन इतनी लेट मिल रही है? नहीं विवान, ऐसी कोई बात नहीं है। तिमनासा के अंत के बाद हम चाहते थे कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो, और वैसे भी तुम्हारे अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव जो आए हैं। बाय द वे, आपको इतने दिनों बाद फिर से ठीक देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वीर-लोक के मार्गदर्शक शौर्य को जलराज केकोस का प्रणाम। शिनकाई नरेश, जलराज केकोस, आपका भी वीर-लोक में स्वागत है। ये हैं बालपरी। आपका स्वागत है जलराज। और ये हैं बालवीर। वेलकम सर, वेलकम। वैसे मैं जूनियर बालवीर हूँ, सीनियर बालवीर अभी आते ही होंगे। ओ, तो ये है युग चक्र। अब इसकी मदद से मुझे पता चल जाएगा कि आखिर मेरे अतीत का राज और मेरे माता पिता की सच्चाई क्या है, जो बार बार मुझसे छुपाया जा रहा है। युग चक्र, मुझे उस काल में ले चलो जब मेरा जन्म हुआ था। Thank you.
इसका नाम हम रखेंगे बालवीर। बालवीर, 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 बालवीर। हाँ, ये क्या क्या हुआ डुबा डुबा है? मेरा दिल धबड़ धबड़ कर रहा था, लेकिन अब तुम मिल गए हो तो शांत हो गया है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो यहाँ पर मेहमानों के स्वागत के लिए फूल लेने आया था, लेकिन रास्ता भटक गया। ओहो, ये लो फूल मालाएं और गुलदस्तों का प्रबंध हो चुका है बालवीर। जल्दी चलो, महाराजा जलराज के साथ मुलाकात शुरू होने वाली है। हाँ। अरे जल्दी चलो बालवीर, चलो जल्दी। हाँ। चलो पैलेस में जो कुछ हुआ मैंने सब कुछ देखा। मिस अभी आई कांट बिलीव कि शिंकाई के किंग आपको किस तरह से डोमिनेट कर रहे थे। मिस्टर बी, आई थिंक ही शुड डाई। चाहता तो मैं भी यही हूं रे। मिस्टर बी, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं भी जाकर उस किंग काई को उसकी लाइफ लाइन को कट कर देता। सब्र रे सब्र, अभी तुम्हारे शरीर से कवक के जहर का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, इसलिए अभी तुम अकेले शिंकाई की पूरी सेना का सामना नहीं कर सकते। एक बार उस महा ताकतवर का खून मिल जाता तो। स्वामी, छोटा मुंह बड़ी बात, आप कब से किसी टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह एक ही रट लगाए जा रहे। खून चाहिए, खून चाहिए। अरे ये सुन सुन के तो मेरे दिमाग में खून चढ़ गया है। अब उतरा तुम्हारे दिमाग से खून? हाँ? आपका हाथ जो लग गया। अब मैं एक हफ्ते तक अपना मुंह नहीं दूंगा। बम्बाल श्री, उस महाताकतवर को पकड़ने के लिए क्या आपने कोई तरीका निकाल लिया है? तरीका तो मिल ही जाएगा मिर्जा, लेकिन अभी तो मेरे कानों के अंदर सिर्फ काइकोज की बातें गूंज रही हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो हमसे कुछ छुपा रहे थे? मुझे मेरे सूत्रों से पता चला है बम्बाल श्री कि जलराज दरबार खत्म होने के बाद आज शिंकाई के बाहर किसी से मिलने गए थे। किंग काइकोस चाहे जो कर रहे, लेकिन अब जो मैं करने वाला वो किसी ने नहीं सोचा होगा। आपका वीरलोक में स्वागत है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि शिंकाई एक अमन पसंद दुनिया है। जो कुछ भी घोड़ा मानव के साथ हुआ था वो सिर्फ एक गलतफहमी थी, और मैं वादा करता हूं कि ऐसी चूक दोबारा नहीं होगी। लेकिन जलराज के कोस सिर्फ घोड़ा मानव ही नहीं, उससे पहले शिंकाई का एक और प्राणी धरती पर आ चुका है। उसने यहाँ के बच्चों का अपहरण करने का प्रयास भी किया था। आपने इसके बारे में मुझे अपने संदेश में अवगत क्यों नहीं कराया शौर्य? क्योंकि जलराज, हम आपकी प्रतिक्रिया देखना चाहते थे कि आप हमारे दुश्मन हैं या फिर दोस्त, और इसलिए ही सिर्फ आधी जानकारी दी गई थी आपको। इसीलिए मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि मैं दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर आप सचमुच दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने आए हैं तो यकीन कीजिए वीर लोग भी दोस्ती का जवाब दोस्ती से ही देगा। लेकिन अगर हमें किसी भी तरह के खतरे का संदेह हुआ तो हम कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। आप बेफिक्र रहिए, शिंकाई को किसी भी दूसरी दुनिया पर राज करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन शिंकाई पर किसी भी तरह का कोई खतरा आया तो हम जान की बाजी लगा देंगे। मैं वादा करता हूं कि शिंकाई की तरफ से आपको अब कोई शिकायत नहीं होगी, और मैं पानी के बुलबुले से निकले प्राणी की तलाश भी करूंगा। क्या मुझे घोड़ा मानव के राग के कुछ अंश मिल सकते हैं? शुक्रिया। अब आप लोग हमें इजाजत दें। इंसाफ कायम रहे। जलराज केकोस के बारे में तुम सभी की क्या राय है? शौर्य,
बातों और व्यवहार से तो लगता है कि जलराज एक शांति प्रिय राजा है, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बुरा आदमी भी शिंका ही से ही आया था। भैया सही कह रहे हैं, हमें अलर्ट रहना चाहिए। मेरा भी यही विचार है कि हमें उस जीव के बारे में जांच पड़ताल जारी रखनी चाहिए और इस जांच की शुरुआत हमें उस गुप्त रास्ते से करनी चाहिए जो प्रधान अध्यापक अघाड़ी के कमरे से होकर उस गुप्त कुएं तक जाता है। देवो भैया एक बात पूछूं? हाँ विवान पूछो पूछो। अभी तक आपकी बालवीर की ट्रेनिंग का सिर्फ एक ही सेशन हुआ है और आप अभी से बहुत कुछ अकेले अकेले करने लग गए हैं। गुरु और चेला शक्कर तो सुना था लेकिन आप तो सीधा कलाकंड बन गए। हाँ विवान वो एक्चुअली मुझे तुम्हारे जैसा ग्रेट कोच मिला है ना तो लर्निंग तो फास्ट होगी। फास्ट नहीं सुपर फास्ट, बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट लर्निंग हो रही है आपकी। एक्चुअली बालपरी भी तो वीर-लोक में मेरी ट्रेनिंग करा रही है क्योंकि तुम होमवर्क और क्वारंटाइन सेंटर के कामों में बिजी रहते हो है ना इसलिए। ओके लेकिन भैया किंग काइकोस चाहे जो भी कर रहा हो लेकिन अब जो मैं करने वाला हूँ वो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। I suggest Mr. B कि हमें अपनी होनी को अनहोनी कर देना चाहिए। होनी को अनहोनी मतलब? मतलब आप नहीं समझेंगे लेडी क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ चलता है। लेकिन लेकिन Mr. B, I'm sure Mr. B, आप समझ गए होंगे। मेरे सीप के मोती मैं समझ गया। तुम ये चाहते हो कि इस खुफिया दरवाजे को बंद कर दिया जाए। भैया भैया आपको इस सीक्रेट डोर और सीक्रेट वेल के बारे में किसने बताया? बालपरी ने बताया और ये भी बताया कि इस केबिन के अंदर जो सीक्रेट डोर के पीछे सीक्रेट वेल है उसमें ऑल इज नॉट वेल। मतलब इस सीक्रेट वेल के अंदर ऐसे क्रिएचर्स रहते हैं जिन्हें छूने से वो 1-2 का 4 हो जाते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है छोटे भैया। फिकर नॉट भैया, अगर इस कुएं के अंदर के जानवर 1-2 का 4 हो सकते हैं तो हम दोनों भी मिलकर 2-2 24 हो सकते हैं। लेट्स गो। मतलब ना रहेगा डोर ना आएगा कोई इस ओर। प्रोफेसर अगाड़ी और डीन मलेश का अभी यहाँ पर नहीं, सो टर्न बैक नाउ एंड कम लेटर। जल्दी सुन लीजिए, स्वामी। डीन और प्रिंसिपल अभी आने हैं और अगर सुनने में जरा प्रॉब्लम है तो पास में एक फर्स्ट क्लास सीएनटी स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट बुक कर दूं
ENT मतलब ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट? नहीं नहीं, मुझे सुनने और सूंघने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ देखने में। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वही कर रहा हूँ जो यहाँ करने आया था। रिसर्च। और तुम? एक्सक्यूज मी मिस्टर री, लगता है आपकी मेमोरी में थोड़ा लोच है, क्योंकि शायद आप भूल गए आपकी मॉम का पर्स मैंने ही ढूंढा था, सो आपको तो थैंकफुल होना चाहिए। लेकिन थैंकफुल होना तो दूर, आप तो रूड हुए जा रहे हैं। ओ या ब्रो, वैसे वो पर्स नहीं क्लच था, जिसे ढूंढना टू मच था। बाय द वे थैंक्स फॉर दैट। वैसे तुम आज यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस में किसका क्लच ढूंढ रहे हो? क्लच नहीं, वो वॉशरूम का क्लच, आई मीन फ्लश खराब हो गया था, सो उसी की कंप्लेंट करने आए थे। कॉलेज क्वारंटीन सेंटर बना हुआ है, सो आपको तो पता ही होगा। आई नो एंड आई प्रॉमिस, मैं जैसे ही डीन और प्रिंसिपल से मिलूंगा उन्हें इस प्रॉब्लम के बारे में अपडेट कर दूंगा। एग्जिट उस तरफ है। नाउ कैन यू गाइस प्लीज एक्सक्यूज मी। चलो we got the chance, so let's dance. भैया, are you sure? बालपरी ने इसी secret talk को देखा था? हाँ विमान, बालपरी ने ऐसा ही बोला था कि principal cabin में जो दीवार है उस पर एक secret दरवाजा है। लेकिन ना ही ये दरवाजा magic से खुल रहा है और ना ही हिल रहा है। सब कुछ तो try कर लिया लेकिन ये दरवाजा है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। एक सेकेंड गाइस, हर बार ना ये फैंटेसी के चक्कर में रियलिटी में सो जाती है, लेकिन इस बार नहीं। जाओ तुम लोग। अरे अरे वेट, रुको वेट, तुम मुझे देख के ऐसे क्यों भागते हो जैसे मैं कोई टैक्स ऑफिसर हूँ और तुम कोई ब्लैक मनी? What do you want? अच्छा, जब मुझसे फ्रेंडशिप की थी तब तो बोलते थे a friend in need is a friend indeed, और अब बोल रहे हो what do you want? Friend? और तुम्हारा? No way. सिर्फ दो तरह के वेज होते हैं, एक रे वे और सेकंड हाईवे। तो तुम हाईवे पकड़ो, मैं रे वे पकड़ता हूँ। ओ हेलो, जब से तुमने नकाबपोश वाला मास्क उतारा है ना, तुम सुपर हीरो से सुपर मीन हो गए हो। ये लड़की किस सुपर हीरो नकाबपोश की बात कर रही है? अब सोच क्या रहे हो तुम? आई नो तुम तिमनासा को फिनिश करने की बात से जॉबलेस हो गए हो, पर इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम मुझ जैसी स्वीट लड़की का हार्ट तोड़ के हार्टलेस भी हो जाओ। कौन तिमनासा? मास्क उतारने के बाद तुम्हारी मेमोरी भी रेज हो गई है क्या? कौन तिमनासा? अरे कालों की महारानी तिमनासा, और कौन? ओ या राइट, तिमनासा। वो क्या है ना कि इतने को फिनिश करता रहता हूँ ना, तो याद भी नहीं रहता। यू नो ना, आई एम सॉर्ट ऑफ अ फिनिशर। ओ नाउ आई गेट इट। तुम यहाँ पे किसी को बताना नहीं चाहते ना कि तुम ही नकाबपोश हो, इसलिए सब नाटक कर रहे हो ना मेरे साथ? या देयर यू गो, हार्टलेस का तो पता नहीं लेकिन मैं ब्रेनलेस जरूर नहीं हूँ। ओके, अब मैं सबके सामने तुम्हें रे के नाम से ही बुलाऊंगी। सिर्फ ही मेरे और मॉम के बीच में तो तुम्हें लेके डिस्कशन हो ही चुकी है। कौन सा डिस्कशन? वो
यही डिस्कशन कि मैं हमेशा तुम्हारी फ्रेंड रहूंगी और कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी. लाइक वंस अ फ्रेंड ऑलवेज अ फ्रेंड. तो तुम कभी साथ नहीं छोड़ोगी? नेवर. ये सुपर हीरो वाली इंफॉर्मेशन तो मिस्टर पी को देनी ही पड़ेगी. ओके देन, तुम यहां दो मिनट वेट करो, मैं भी वापस आता हूँ. अब तुम जा कहाँ रहे हो? आई प्रॉमिस आता हूँ. ओ हेलो रेप. देवू भैया, आपको नहीं लगता कि शिंकाय की किंग के साथ की हमारी मीटिंग सक्सेसफुल रही? क्योंकि मिस्टर जलराज केकोस ने एक्शन लेकर उस सीक्रेट डोर को बंद करवा दिया. लेकिन विवान, हो सकता है ये सब एक प्लान हो, दोस्ती करने का ढोंग, कोई नाटक. क्योंकि जलराज केकोस ने उस बुलबुले वाले आदमी के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया. करेक्ट. कुछ लोग छुप कर ही लड़ते हैं और छुप कर लड़ने वाले लोगों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता. वो तब तक अपनी हरकत बंद नहीं करेंगे जब तक उनका प्लान पूरा नहीं हो जाता. पहले उस बुलबुलों से बने हुए आदमी का आना, फिर भारत नगर के बच्चों को किडनैप करना, और कुछ दिनों बाद घोड़ा मानव का आना. ये सब कोई प्लान है क्या? भैया, बुरी शक्तियों का तो सिर्फ एक ही प्लान होता है, बुराई फैलाना. लेकिन विवान, अच्छी शक्तियों का भी एक ही प्लान होता है, बुराई फैलाने वालों को रोकना. इसलिए हमें अब से और भी अलर्ट हो जाना चाहिए. करेक्ट सीनियर बालवीर. उस सीक्रेट डोर का रास्ता प्रिंसिपल अखाड़ी के कैबिन से जाता था, सो आई थिंक हमें उन लोगों पर भी नजर रखनी चाहिए. यस, यू आर राइट विवान. मुझे भी उन नए कैरेक्टर्स पर शक तो हो रहा है. रे, बाहर सब ठीक है ना? ऑफ कोर्स लेडी, मेरे होते हुए कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? After all, my name is Ray of Hope, ना कि Ray of No. कैबिन में वो दो लड़के कौन थे? Forget that, Mr. B. आपके लिए एक न्यूज लाया. कौन सी खबर? उस खबर का नाम है नकाबपोश. कौन नकाबपोश? नकाबपोश वही है जिसने तिमनासा को मारा था. कालोक की महारानी तिमनासा. एग्जैक्टली. इसका मतलब नकाब पोश ही वो महाताकतवर है जिसे हम ढूंढ रहे थे. और अगर उसका खून तुम्हारे शरीर में डाल दिया जाए तो मेरी बॉडी से उसका वक्त का जहर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और मैं बन जाऊंगा सुपर विलेन. लेकिन रे, हम उस नकाबपोश को ढूंढेंगे कैसे? वेरी इजी लेडी. जिस लड़की से मुझे नकाबपोश के बारे में पता चला है उसका नाम है अनन्या और वो नकाबपोश की दोस्त भी है. आई गेस यू नो मिस्टर बी, हम क्या कर सकते हैं? क्या तुम भी वही सोच रहे हो रे जो मैं सोच रहा हूँ? ऑफ कोर्स मिस्टर बी, ग्रेट माइंड्स एक जैसा ही सोचते हैं. अरे लेकिन हम छोटी अकल माफ करना, इस छोटी अकल वाले को भी बताओ कि आपके महान बुद्धि में कौन सा महान उपाय आया है. नकाबपोश को पकड़ने के लिए हम उस लड़की को चारा बनाएंगे और वो लड़की अगर सच में उसकी दोस्त है तो नकाबपोश उसे बचाने जरूर आएगा. ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा तो आप बोलते स्वामी. वो आएगा. अनन्या, वो नहीं आएगा. ये क्या कर रही हो?
अनन्या वो नहीं आएगा, वो आएगा अब बेटर है, ख्यालों में ही रहती हूँ। वो नहीं आएगा, वो आएगा। वाह, ये तो मेरे जाल में फंसने के लिए पहले से ही तैयार है। कितना इनोसेंटली मेरे लिए वेट कर रही है। वो आएगा, वो नहीं आएगा, वो आएगा, वो नहीं आएगा। आ गया। Oh my God, तुम सच में आ गए? कैसे नहीं आता? तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की का दिल रे कैसे तोड़ सकता है? वैसे भी मेरा नाम रे है, अरे रे नहीं। You're so funny. वैसे तुम विसल बड़ा अच्छा बजाती हो। पर क्या तुम ये बजा सकती हो? फ्लूट बजाती हो? हाँ बजा लेती हूँ, विसल में भी फूकना होता है और लूट में भी तो फूकना ही होता है। वाओ, देन कैन यू प्लीज टीच मी? या श्योर। कूल, वो मुझे लगता है आज हवा में ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा है ना, शायद इसीलिए नहीं बज रही। कोई बात नहीं, इट्स ओके, ट्राई अगेन, मेरे पास टाइम की कोई कमी नहीं है, ट्राई ट्राई। ओके, मुझे लगता है इस बांसुरी में कोई प्रॉब्लम है। इज दैट सो? अब हाँ, देखो ना कैसी टेढ़ी मेढ़ी सी लग रही है। आई गेस बांसुरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हारे बांसुरी को पकड़ने के तरीके में जरूर प्रॉब्लम है। वेट अ मिनट, अपना दूसरा हाथ मेरे हाथ पे रखो। You know what, Ananya? इस फ्लूट की आवाज नहीं थी, ये तुम्हारे दिल की आवाज थी। वैसे अगर if you don't mind, क्या हम तुम्हारे दिल की आवाज कॉफी पीते पीते सुन सकते? Oh my God, कॉफी, मिल्कशेक, लस्सी, मैं सब पीने चलूंगी। चलो चले। ग्रेट, देन तुम थोड़ी देर में मुझे कॉलेज ग्राउंड के सामने मिलो, देन विल गो फॉर अ कॉफी। ओके। अनन्या, अब तुम बनोगी नकाबपोश तक पहुंचने का मोहरा। क्राय और प्रे, अब नकाबपोश को नहीं छोड़ेगा रे।